मेरे अच्छे जीती, आज मेरे कहने से अभी अपने सोने के कमरे में जाना, रेडियोग्राम चलाना और बर्मन की आवाज में सुनना। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। और मुझे बताना कि वे लोग कैसे होते हैं जिन्हें कोई इस तरह आवाज देता है। मैं सारी उम्र कल्पना के गीत लिखती रही, पर ये मैं जानती हूँ, मैं वो नहीं हूँ जिसे कोई इस तरह से आवाज दे। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वो हो जिसे मैं ये आवाज दे रही हूँ, और जानती हूँ मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आएगा। कल एक सपने जैसी तुम्हारी चिट्ठी आई थी, पर तुम्हारे मन की कॉन्फ्लिक्ट का भी पता है। यूं तो मैं तुम्हारा अपना चुनाव हूं, फिर भी मेरी उम्र और मेरे बंधन तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट है। तुम्हारा मुंह देखा, तुम्हारे बोल सुने तो मेरी भटकन खत्म हो गई, पर आज तुम्हारी मुंह इनकारी है, तुम्हारे बोल इनकारी है। क्या इस धरती पर मुझे अभी और जीना है, जहां मेरे लिए तुम्हारे सपनों ने दरवाजा बंद कर लिया है? तुम्हारे पैरों की आहट सुनकर मैंने जिंदगी से कहा था, अभी दरवाजा बंद नहीं करो हयात, रेगिस्तान से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। पर आज मुझे तुम्हारे पैरों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब जिंदगी को क्या कहूं, क्या ये कहूं कि अब सारे दरवाजे बंद कर ले? मेरे सब कुछ, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, तुम्हारे बिना मुझे कोई जगह अच्छी नहीं लगती। मुझे परदेशों की शोहरत नहीं चाहिए, मैंने जिसके लिए मोहब्बत के गीत लिखे, अगर मेरे गीत मंजूर नहीं हैं, तो उन गीतों की बेगानों से तारीफ पाकर क्या करूंगी। एक गुजराती गीत है, माथे के तुम्बे में लाख लाख मोती, रे दिल की बसनी खाली, सयाने पन के लाखों मोती, पर दिल तुम्हारे बिना खाली। हर जगह जाने के लिए मुझे पासपोर्ट का फॉर्म भरना पड़ता है, और मैं उस तरह का कुछ भी भरने को तैयार नहीं जो तुम्हारी खुशी छीन ले। इस वर्ष अमृता को रूस से बुलावा आया था, पासपोर्ट का फॉर्म भरने के लिए औरत को अपने खाविंद का नाम लिखना पड़ता है। अमृता ने एक बार फॉर्म भरा था, पर मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने वो फॉर्म फाड़ डाला। जहां मेरी उम्र तुम पे कुर्बान है, वहां मैं परदेशों की प्रसिद्धि भी कुर्बान कर दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुम्हारा इंतजार करूंगी सारी उम्र, तुम्हारी आशी। जीती, तुम्हारे और मेरे नसीबों में बहुत फर्क है। तुम वह खुश नसीब इंसान हो जिसे तुमने मोहब्बत की, उसने तुम्हारे एक इशारे पर सारी दुनिया वार दी, पर मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जिसे मैंने मोहब्बत की, उसने मेरे लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। दुखों ने अब मेरे दिल की उम्र बहुत बड़ी कर दी, अब मेरा दिल उम्मीद के किसी खिलौने के साथ नहीं खेल सकता। हर तीसरे दिन पंजाब के किसी न किसी अखबार में मेरे बंबई में बिताए हुए दिनों का जिक्र होता है, बुरे से बुरे शब्दों में, पर मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि उनकी समझ मुझे समझ सकने के काबिल नहीं है। केवल दर्द इस बात का है कि मुझे उसने भी नहीं समझा जिसने कभी मुझसे कहा था, मुझे जवाब बना लो सारे का सारा। मुझे अगर किसी ने समझा है, तो वे तुम्हारी मेज की दराज में पड़ी रंगीन बेजुबान शीशियां हैं, जिनके बदन मैं रोज पहुंचती और दुलारती थी। वे रंग मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों की नजर का भेद पा लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि मुझे तुम्हारी क्रिएटिव पावर से
ऐसी ही मोहब्बत है। वे रंग तुम्हारे हाथों के स्पर्श के लिए तरसते रहते थे और मेरी आंखें उन रंगों से उभरने वाली तस्वीरों के लिए। वे रंग तुम्हारे हाथों का स्पर्श इसलिए मांगते थे बिकॉज दे वॉन्टेड टू जस्टिफाई देयर एग्जिस्टेंस। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए चाहा था कि मुझे तुम्हारी कृतियों में अपने अस्तित्व के अर्थ मिलते थे। ये अर्थ मुझे अपनी कृतियों में भी मिलते थे, पर तुम्हारे साथ मिलकर ये अर्थ बड़े तगड़े हो जाते थे। तुम एक दिन अपनी मेज पर काम करने लगे थे कि तुमने हाथ में ब्रश पकड़ा और पास रखी हुई रंग की शीशियों को खोला। मेरे माथे ने न जाने तुमसे क्या कहा। तुमने हाथ में लिए ब्रश पर थोड़ा सा रंग लगाकर मेरे माथे से छुआ दिया। न जाने वह मेरे माथे की कैसी खुदगर्ज मांग थी, आज मुझे उसकी सजा मिल रही है। आदम ने जैसे गेहूं का दाना या सेब खा लिया था तो उसके बहिष्ट से निकाल दिया गया था। कल एक रूसी आर्टिस्ट आया था। उसने मुझे सामने बिठाकर एक स्केच बनाया। उन पलों की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। मैंने एक निगाह उस स्केच को देखा तो मेरी आंखें भर आईं। वह पेंसिल भी मेरी तरह जरूर रोई होगी कि काश तुम्हारे हाथों में होती, सिर्फ तुम्हारे हाथों में। फैज को उस बदनसीब औरत का सलाम देना जिसने उसकी जीवनी लिखी। तुम्हारा खत मिला। जीती दोस्त, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। तुम्हारा मेल दोस्ती की हद को छू गया। दोस्ती मोहब्बत की हद तक गई, मोहब्बत इश्क की हद तक और इश्क जुनून की हद तक। और जिसने यह जुनून देखा हो वह कभी गुस्सा नहीं हो सकता। अगर यह अलगाव कोई सजा है तो यह सजा मेरे लिए है, क्योंकि यह रास्ता मेरा चुना हुआ नहीं है। मेरा चुना हुआ रास्ता मेल था। अलगाव का यह रास्ता तुम्हारा चुना हुआ है, तुम्हारा अपना चुनाव, इसलिए तुम्हारे लिए यह सजा नहीं है। अमृता जब पहली बार 23 अप्रैल 1961 को रूस गई थी, वह मुझसे नाराज थी। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी मोहब्बत पाक नहीं थी, लेकिन उस मोहब्बत में एक प्यास थी, जवानी की प्यास। इस प्यास को तुम्हें तृप्त करना होगा। जीती, तुम और मैं दोनों इस प्यास का भयानक रूप देख चुके हैं। तुम जैसे मुझ तड़पती को एक पराए घर में छोड़ गए, यह तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारी प्यास का भयानक रूप है। तुम 10 बरस जी भर कर इस प्यास को मिटा लो, फिर तुम्हारे बदन पर पड़े हुए सारे दाग मैं अपने होठों से पोंछ दूंगी। और अगर तुमने फिर भी चाहा तो मैं तुम्हारे साथ जीने के लिए भी तैयार रहूंगी और मरने के लिए भी।